अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ पर आपको बड़ी अपडेट से आगाह करते चले। ये अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है। पंजाब के बाद एक मतलब फिर से बाकी सूबों में भी तालीमी इदारों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। एक बड़ी खबर से आपको आगाह करते चलें, एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है। जी हाँ ख़वातीन हज़रात, पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और उसके साथ साथ बलूचिस्तान और तमाम सूबों के अंदर तालीमी इदारों में छुट्टियों का बाकायदा ऐलान कर दिया गया और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आपको बड़ी खबर से आगाह करने जा रहे हैं, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कितनी छुट्टियाँ होंगी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लंबी छुट्टियाँ देने का बड़ा फैसला सुना दिया गया। मुकम्मल तफसील आती थी वीडियो में, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजम सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर आपको बड़ी खबर से आगाह करते चले, तमाम तलबा और तलबात के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर जो गुड न्यूज़ आ चुकी है छुट्टियों के हवाले से, और छुट्टियाँ इसमें तमाम लंबी होने जा रही हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें, सिंध के अंदर यह बड़ा फैसला हुकूमत ने सिंध ने किया है और उसके मुताबिक यकम जून से 31 जुलाई तक तमाम जो है वो तालीमी सरकारी निजी स्कूलों में छुट्टियाँ होंगी और उसके बाद अगर गर्मी ज़्यादा होती तो छुट्टियाँ बढ़ाई भी जाएंगी। अब बात करते चले, एक बड़ी खबर जो सामने आ चुकी है खैबर पख्तूनख्वा की, वो ये है कि 3 जून से या फिर 1 जून से आपको हो सकता है कि 3 माह जो है वो आपको छुट्टियाँ दी जाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। खैबर पख्तूनख्वा में हर साल जो आपके पसमानदा इलाके हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है और मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी होती है, वहाँ पर आपको लंबी जो है वो छुट्टियाँ दी जाएंगी। बलूचिस्तान में 15 मई से ऑलरेडी छुट्टियाँ हो चुकी हैं।